हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि टॉप 400 क्वेश्चंस की सीरीज का एक पार्ट होगा। इसमें हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आरपीएफ के एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो आईबी एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको रीजनिंग की डेली वीडियो मिलती रहे, साथ साथ मैथ और ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, 300 क्वेश्चंस की वीडियोज़ अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि 4-2 8 हो, 7-3 22 हो, ठीक है, 6-3 9 हो, तो 9-4 क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करके देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है इसका और किस तरीके से इसको सोल्व किया गया। यहाँ पे किया गया 4 का स्क्वायर और -2 की क्यूब, ठीक है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर किया गया, दूसरे नंबर का क्यूब किया गया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो 16-8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 3 की क्यूब करेंगे, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, तो माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। वैसे हम करेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 17, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सही क्रम में लिखे। ये आपको सही क्रम में लगाना है, पहले का मतलब पहले धागा आएगा या पौधा आएगा, क्या आएगा उसको आपको सही क्रम में लगाना है, जिसमें आपको 4-5 ये चीज़ें दी गई हैं, धागा, पौधा, साड़ी, कपड़ा, कपास और कपड़ा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले एक पौधा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा नंबर का आएगा। आप ये चेक करिए, दूसरे नंबर पे आपका देखिए सभी में दूसरा नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होगा। उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए कपास होगी, पौधा होगा, उसके बाद कपास आएगी। उस पर देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों ने जो गाँव के होंगे उन्हें पता होगा, पौधा होगा उसके बाद कपास होगी, फिर कपास के बाद आपका धागा बनेगा, कपास से धागा बनता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4th का फिर 3रा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाली सीक्वेंस किस में चल रही है, 2 4 3, तो 2 4 3 सिर्फ ऑप्शन सी में चल रही है, तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आपका 5वां कपड़ा बनेगा, उसके बाद साड़ी बनेगी, तो 5 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 5वां और 3रा आपका लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, दोबारा से मैं कर देता हूँ, सबसे पहला पौधा लगेगा यानी कि दूसरा, उसके बाद आपकी कपास आएगी यानी कि 4था, उसके बाद आपका धागा बनेगा तो पहला, उसके बाद आपका क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा यानी कि 5वां, और उसके बाद आपका 3रा आएगा। तो ये देखिए आप किस में, 2रा 4था 1ला 5वां 3रा, यानी कि ऑप्शन बी होगा भाई, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, 2 4 1 5 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, ये आपको बताना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बीच का बन रहा होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो आपको जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह बताना है कि क्या आएगा, तो ट्राई कर सकते हैं आप खुद भी। यहाँ पे चल रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 और 4 की मल्टीप्लाई की जाएगी और 3 और 1 की मल्टीप्लाई की जाएगी, और जो भी आएगा उसको प्लस करके यहाँ पे बीच में लिख दिया जाएगा। देखिए 5 चौक 20, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई किया जाएगा 3, तो 20 और 3 23, तो बीच में आ गया 23। यहाँ पे इसी तरीके से 7 और 6 की जाएगी और 3 और 4 की जाएगी, दोनों को प्लस किया जाएगा 54। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, 11 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में कितना प्लस किया जाए कि आपका ये बन जाए 40 बन जाए, तो इसमें 18 प्लस होगा। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि 18 कैसे बन सकता है, नीचे मैं 18 कैसे बन सकता हूँ 2 की मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी, ये आपको बताना है। यानी कि इसको जो प्रश्न आकृति दे रखी है इसमें यहाँ पे मिसिंग है 1 का आकृति, तो कौन से वाली आकृति यहाँ पे रखी जाए इन 4 ऑप्शन में से कि ये पूरा हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे करना है भाई, आप पहले 1 आकृति इसके साइड वाली देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे
तो इस टाइप की आकृति सबसे पहले तो होनी चाहिए चार ऑप्शन में। तो आप अगर पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हटा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले ऑप्शन को हटा दीजिए। इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो लाइन है ये सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व है इसमें, तो ये कर्व वाली ये है। और आप अगर इस वाली आकृति को यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है, ये करने का तरीका ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आप इसको करेंगे सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, आप डायरेक्ट उस ऑप्शन पे मत जाइए जो हो सकता है, उस पे जाइए जो नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो होने वाला तो खुद ही मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो दोनों ही, देखिए ट्रक भी और बैलगाड़ी भी दोनों ही माल ढोने के लिए आपका काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो माल ढोने वाला होगा एक बड़ा वैन डायग्राम होगा, उसके अंदर दोनों बैलगाड़ी भी होंगे और ट्रक भी होगा, तो ऐसा आपको देखना है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो सॉरी, यहाँ पे इस ऑप्शन में शो किया गया कि कुछ बैलगाड़ी ट्रक हो सकते हैं, कुछ ट्रक बैलगाड़ी, तो ये तो कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता, तो इसको तो हटा दीजिए। फिर बी ऑप्शन की बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वाली कंडीशन बताई गई है और इसमें एक चीज़ को अलग कर दिया गया, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर मैं बी डी ऑप्शन की बात करूँ तो ये राइट हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी और ट्रक दोनों के दोनों माल ढोने के काम आ सकते हैं, तो बाहर वाला वेन डायग्राम जो होगा आपका वो माल ढोने वाला हो जाएगा और अंदर इसके दोनों बैलगाड़ी और ट्रक आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप भी ट्राई करके देखिए। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, ठीक है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। अब सबसे पहले कागज को ध्यान से देखिए, जो प्रश्न आकृति में दिया गया है, एक ये गोल कागज था, इसको हमने एक बार तो पहले ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके बाद एक बार और ऐसे मोड़ दिया, और ऐसे मोड़ने के बाद में फिर इसमें गोल कट लगा दिया, ठीक है। आपको बताना है कि उत्तर आकृति कैसी बन के आएगी। मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको बताता हूँ, जब भी कभी पेपर में कट लगेगा आपको वो कट देखना है सबसे पहले तो, कि वो कट कैसा लगाया गया है, कट गोल लगाया गया है। अगर आप देखेंगे तो जो भी आकृति बन के आएगी ना उस पेपर, जो खुलेगा जब पेपर, उसमें गोल ही आएगी, ना कि ये वाली, ना कि ये वाली, ना कि ये वाली। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं था, ठीक है, देखते ही आपको टिक लगाना था कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से सोचते हुए क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, रीजनिंग यार इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उनको पकड़िए और क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ए सी लिखा है, डी जी लिखा है, एच एल एम आर, नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ए से सी गया है, ए से सी और ए सी डी जी एच एल एम आर। तो इसमें देखिए किस तरीके से सीरीज चलेगी, ये वाली जो पहला है पहले के साथ में जाएगा और लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ में जाएगा, और चलेगा किस तरीके से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है तो प्लस 3, इन दोनों के बीच में 4 का तो प्लस 4, प्लस 5, और नेक्स्ट आप प्लस 5 हो गया तो प्लस 6 करेंगे, तो प्लस 6 क्या हो जाएगा, एम में प्लस 6 किया तो एस बन गया, तो पहला मिल गया। दूसरे में आप सी से जी में गए तो कितने का डिफरेंस आया भाई, सी से जी में जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा आपका, प्लस 4 का आएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से इसमें करना है, प्लस 4 करेंगे, प्लस 5 कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे और प्लस 7 कर देना है, प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एस और वाई इज़ द राइट आंसर। तो देख लीजिए एस वाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या चल रहा है, नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आएगा। इसमें चल रहा है डिवाइड 2 + 1, तो देखिए 18 को मैं डिवाइड 2 से करूँगा और प्लस 1 कर दूंगा तो 9 + 1 तो 10 हो जाएगा, प्लस डिवाइड 2 से करूँगा प्लस 1 कर दूंगा तो 5 + 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, और 3 में प्लस 1 करूंगा तो 4, और 4 को मैं डिवाइड 2 से करूंगा और प्लस 1 करूंगा तो 3, और 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका 1.5, और प्लस 1 कर दूंगा तो 2.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं भाई। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि पता नहीं चलता है ऐसे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बताना है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति आपको दिख रही होगी और इसमें आपको उत्तर आकृति में से देखना है कि कौन से में ये निहित होगी। तो
तो इसमें ये वाला देखिए, आप कोई सी भी आकृति में अगर आपको नजर आता है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन कराने का तरीका क्या बताया कि जो नहीं हो सकता उसको हटाइए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसको हटाइए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसमें अगर मैं इस वाले को देखूँ तो ये वाला आपका मतलब थोड़ा नज़र आ रहा है, बट इसमें ये वाली लाइन टेढ़ी है और इसमें ये बिल्कुल सीधी है, तो ये नहीं हो सकता। फिर ये वाला अगर मैं देखूँ तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें भाई। इस क्वेश्चन, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या नज़र आया, इसमें सीधी है ना, तो ये सीधी नहीं थी इस वाले में, ये इतना सीधा होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप इनमें आपको कुछ बताना है कि विषम कौन से हैं, ये 12, 13, 14 क्वेश्चन है, इनमें विषम आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ क्वेश्चन नंबर 12 में विषम क्या होगा, तो ट्राई करके देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो देखिए डी यहाँ पे, जो सितंबर मंथ ऐसा है जिसमें जो 31 का नहीं होता, बाकी जनवरी भी 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है और जुलाई भी 31 का होता है। इसका मतलब सभी मंथ में आपके 31-31 दिन होते हैं, बट सितंबर में 31 दिन नहीं होते हैं, तो ये वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे 13 को आप चेक करिए भाई, 13 में भी आपका कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, सभी में आपका प्लस वन चल रहा है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, पर यहाँ पे देखिए जे से एल में प्लस टू और एल से के में माइनस वन, तो प्लस टू और माइनस वन जो है आपका, ये इसी तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये भिन्न हो जाएगा। आप 14 को चेक करिए, जल्दी से आंसर बताइए जो भी आंसर आता है आपका। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को छोड़ करके सभी ये वर्ग है आपका, देखिए ये आपका किसका हो जाएगा, 25 का, 25 का वर्ग है, ये 36 का वर्ग है और ये 29 का वर्ग है, बट ये 8 का घन है, तो इसका मतलब यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए इस नंबर का स्क्वायर और माइनस वन, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, माइनस वन तो 99, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और माइनस वन करेंगे तो 80 आपका आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अल्फाबेट के नंबर्स और उनके अपोजिट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट भी पता होने चाहिए। तो देखिए अपोजिट वाला ही है, डी का अपोजिट आपका डब्लू हो जाएगा, ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा और ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका डब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे, एफ का अपोजिट क्या होता है भाई, यू होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यू टी एक्स यू, यू टी एक्स यू देख लीजिए ऑप्शन कौन सा, यू टी एक्स यू, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर से क्या बनेगा। देखिए दूध से दही बनती है, अंगूर से क्या बनता है, मदिरा बनता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट, इनमें ऑप्शन देखिए आप डी, यानी कि सारे ऑप्शन देखिए। हवा महल आपका जयपुर में है, तो वैसे ही आपको एक ऑप्शन ऐसे बताना है कि जो सही करेक्ट हो इनमें, ए बी सी डी में से कौन सा सही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो विक्टोरिया महल है वो कोलकाता में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ये राइट नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके जैसे हवा महल जयपुर में है, वैसे विक्टोरिया महल जो है वो कोलकाता में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को यार देखिए लाइक करते जाइए, और लगातार मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूँगा वीडियोज़ अपलोड करके, ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए।